जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, नाइन्थ क्लास दी साइंस दी बुक द चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कंटिन्यूइंग विद द एक्सरसाइजेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 5 to 7। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन टू कॉपी डाउन दी आंसर्स ते मेक श्योर टू रिवाइज दैम एंड प्रैक्टिस राइटिंग दैम ऑन योर ओन। इसी चैनल के उत्ते थोड़ी नाइन्थ क्लास की जो मैथ की बुक है दैट हैज़ बीन सॉल्वड एंड अपलोडिड। ऑल दी चैप्टर्स एक्सरसाइजेज आर इन सीरियल ऑर्डर, तो वो वीडियोज भी तुसी देख सकते हो। नाइन्थ मैथ प्लेलिस्ट का नाम है। देयर इज अनदर प्लेलिस्ट नाइन्थ मैथ नोट्स, जिसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म्स, उन्होंने डेफिनेशंस, कॉन्सैप्ट्स ते होर बड़िया इंपॉर्टेंट गल्लां डिटेल में समझाया गया। इफ यू लिसन टू एंड वॉच दोज वीडियोज दैन डूइंग द क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग द सोल्यूशंस विल बी मच ईजियर। सो अगर तुम अले चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो डू सबसक्राइब टू इट एंड डू शेयर द वीडियोज विद योर फैलो फ्रेंड्स। जोड़े स्टूडेंट्स पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड के है उन्होंने वास्ते मैं दस दूँ कि नाइन्थ की जो थोड़ी इंग्लिश है वो भी शुरू कर दी गई है। सो पहला चैप्टर हो गया नाइन्थ मेन कोर्स बुक हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टिड, तो तुम बेनीफिट भी ले सकते हो। सो आओ शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जिन्हें भी एटम के मॉडल दसे गए हैं उन्होंने कंपेरिजन करो। सो देयर आर 3 मॉडल्स विच हैव बीन प्रपोज्ड इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन वॉज बाय जे जे थॉम्सन, सेकेंड वन वॉज बाय रुदरफोर्ड एंड द थर्ड वन वॉज बाय नील्स बोर। सो देखो, दिस इज द बेस्ट वे, मेक अ टेबल लाइक दिस एंड पॉइंट वाइज वी विल कंपेयर दिस। ठीक है, सो जे जे थॉम्सन ने की क्या सीखा? फर्स्ट पॉइंट इज एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ही इक्वेटेड द एटम टू अ स्फेरिकल पुडिंग और अ वाटरमेलन। ठीक है, सो ही सेड एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन दी स्फीयर, ए वाला दूसरा पॉइंट सीगा। रदरफोर्ड ही सेड एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ते सेकंड थिंग ही सेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। नाउ व्हाट डिड नील्स बोर से? ही सेड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज दिस। ते दूजी गल, ही सेड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। दिस पॉइंट इज स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ दिस पॉइंट। ही सेड दे रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स बट देर वॉज नो मैंशन ऑफ एनर्जी लैवल्स। ते इन्हें क्या, नील्स बोर सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। सो ये दो दो पॉइंट हो गए, एक एक पॉइंट हो रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट इज जे जे थॉम्सन सेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड दी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इम्बेडेड इन दी स्फीयर, ए उहदी थ्योरी सी। सो ही सेड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिकॉज इफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड द चार्जेस आर ऑपोजिट, साइंस आर ऑपोजिट, दे विल कैंसल ईच अदर आउट एंड द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो रदर फॉर द थ्री पॉइंट, थर्ड पॉइंट असं यह कह सकते हैं, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम। ही हैड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा बिफोर हिम एंड ही सेड दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑलमोस्ट 10 to raise power 5 times स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम एंड नियरली अकाउंट्स फॉर ऑल द मास ऑफ द एटम। तो नील्स बोर ने कहा कि ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स के एल एम एन और नंबर्स 1, 2, 3, 4। सो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, तीन तीन पॉइंट्स तीनों मॉडल से तुसी इस तरह सिस्टमैटिकली इन टेबुलर फॉर्म तुसी अरेंज करके पेश कर सकते हो। यह सब नु कॉपी डाउन कर लो, रिवाइज कर लो, तो फिर इन्हों की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 6, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलीमेंट्स। तुहाडे सिलेबस विच सिर्फ 18 एलीमेंट्स तक का जरा डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो तुहाडे सिलेबस विच है। ठीक है, सो आओ देखिए। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दी अगर जगह और लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम चीज होगी, ठीक है। इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की है। फर्स्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², ठीक है, याद रखना है। वेयर एन इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1, 2, 3 डॉट 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 एक्स्ट्रा, मतलब इट कंटिन्यूज लाइक दिस, ठीक है। आगे चलिए, सो इसका मतलब की होया, सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट शेल विच वी ऑल्सो कॉल के शेल विल बी 2 × 1² इज इक्वल टू 2। बाय नाउ वी ऑल नो दैट द इनर मोस्ट शेल और द फर्स्ट शेल कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल विल बी 2 × 2², दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट और एम शेल विल बी 2 × 3² 3 × 9 × 2 = 18। इट मीन्स थर्ड शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ ऑर्बिट और एन शेल विल बी 2 × 4² दैट मीन्स 32 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा पॉइंट की है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। मतलब कि यह जी कंडीशन है दिस शुड नॉट बी वायोलेटेड। मतलब कि अगर सपोज जिदा थर्ड शेल आ रहा है, अगर इतने 2, 8 है ना, सो इतने 9 नहीं हो सकता, फिर हो जाएगा 2, 8, 8, 1 हो जाएगा इतने। बिकॉज अगर इतने अगर 2, 8, 9 अगर मतलब कि इस तरह कोई एलिमेंट है, हालांकि इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट लाइक दैट, है ना। तो तुम 18 तक ही याद रखना है, दैट इज 2 + 8 = 10 + 8 = 18। दैट इज द 18th एलिमेंट इज आर्गन, नोबल गैस। उस तो बाद फिर थोड़ा जो चीज आती है कि वो फिर यू विल स्टडी अबाउट इट इन 11th क्लास, तो वो बारे तुम बॉदर नहीं करना। यू जस्ट रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू बी नोन ओनली अप टू 18 एलिमेंट्स सो फार एज योर क्लास इज कंसर्न, ठीक है। सो यह चीज देखनी है कि द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगली गल, थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ गिवन शेल आफ्टर द इनर शेल्स आर फिल्ड, ठीक है। दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। ए थ्री पॉइंट्स बचे हो, इन्होंने चंगी तरह तुसी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी नो डिफाइन करो एंड डू दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू मेक द ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स ग्रुप ऑफ 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ऐ ते हैगी डेफिनेशंस विच यू हैव टू मेमोराइज एंड प्रैक्टिस राइटिंग इट, ठीक है, इन्हें याद कर लो चंगी तरह। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स। ओके, पहला एग्जांपल वी हैव टू टेक इज सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2। वी ऑलवेज स्टार्ट विद 2 तो बाद फिर मैक्सिमम 8 आने के सानू पता है सेकंड ऑर्बिट कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 × 8 = 10, 10 × 4 = 14, इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। हुण बच्चों देखो कि इफ आई नॉक दिस 4 अवे, इफ इट सिलिकॉन गिव्स अप दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट बन जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी। एंड इफ इट रिसीव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 4 = 8, तब भी ऑक्टेट बन जाएगा। इट मीन्स इट कैन अटेन ऑक्टेट इधर वे, इधर बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी चीज हो रही है, इट कैन ऑल्सो शेयर दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम और एटम्स, ठीक है। द आउटर मोस्ट शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन लूज गेन और शेयर दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द डिजायर्ड ऑक्टेट। हेंस द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4, ठीक है, क्योंकि एडी गिनती 4 ही रहेगी। इफ इट हैज टू लूज, इट हैज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट हैज टू गेन, इट हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स गेनिंग और लूजिंग the easiness of doing both is almost same, ठीक है। सो यदि वैलेंसी है 4, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एक्सक्यूज मी एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 and 6। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट शेल एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। हुण देखो
अगर ए सिक्स नू लूज करे, नो लूजिंग सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी डिफिकल्ट, बट इफ इट हैज टू गेन, इट हैज टू गेन ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, सिक्स प्लस टू विल बी एट. सो क्लियरली इट कैन गेन टू इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, हेंस द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज टू. ठीक है बच्चों, सो वट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी गेन्ड, लॉस्ड और शेयर्ड, और इट इज नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. ठीक है, ओके. ए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में इस तरह भी बना देता है, दे हैव नॉट आस्क फॉर इट, पर मैं जिस तरह किया कि आई ट्राई टू पुट मैक्सिमम इन वन आंसर, ताकि थोड़ी नाल नाल रिवीजन भी होंगी रहे. सो हेयर ऑल्सो यू कैन सी दैट स्केमेटिकली की हाउ डू वी डेपिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. 284, दैट मीन्स इनर मोस्ट शेल हैज गॉट टू इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल हैज गॉट एट इलेक्ट्रॉन्स, ते आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल हैज गॉट फोर इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4. सो अगर चार इलेक्ट्रॉन्स नू लूज करे तो सैकेंड शेल एट हो जाएगा, या इतने चार गेन कर लवे मोर, ताही ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. सो वैलेंसी इज फोर, इतने अगर सिक्स, सो देख टू एंड सिक्स, सो इट हैज टू गेन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस ऑक्टेट विल बी कंप्लीट, तो वैलेंसी हो गई 8 - 6 इज इक्वल टू 2. सो बच्चों, ऐसी सॉल्यूशंस टू थ्री क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. सो तुसी इसी तरह डट के मेहनत नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, अगले वीडियोस विच जिहड़ी एक्सरसाइज दे बचे क्वेश्चंस ने वो तुहाडे लई अलग अलग सैक्शनस विच लैके आवांगे. तद तक लई गुड बाय, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच.